नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो बिहार के छात्रगण कृपया ध्यान देंगे। जी हाँ, कुछ नई बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पुरानी बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। जो भी छात्र यहाँ पे बिहार में सातवें चरण में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी कि बिहार एसटीटी 2019 का एग्जाम जो भी छात्र दिए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि उनका स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट कार्ड जो है दे दिया गया है। अब इस रिजल्ट कार्ड को पाने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे करना है, कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या चीजें आप दिखाएंगे यहाँ पे कि आपको रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, तो वो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और कहाँ से मिल पाएगा आपका ये रिजल्ट कार्ड यानी स्कोर कार्ड जो भी है, ये आप लोगों के लिए ये इस वीडियो में बताने जाया जा रहे हैं। कुछ नई वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, कहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं और आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन खबरों में बने रहिएगा। और जो भी छात्र यहाँ पे बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों यहाँ पे यह एक बेहतरीन ऑफर। आज यानी कि 20 तारीख है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से। 20 फरवरी को एक टेस्ट होने वाला है 12 बजे से, आप लोगों को एनरोल करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, एनरोल कीजिएगा। 60 क्वेश्चन का 60 मिनट वाला टेस्ट होगा यहाँ पे, यानी कि एक घंटा टेस्ट दीजिएगा। और अगर आप इसमें स्कॉलरशिप पा सकते हैं, देखिए अगर आप इसमें 1-3 रैंकर रहें तो 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है, यानी कि बेहतरीन ऑफर आपके लिए। ठीक है, वहीं पे 4-10 रैंकर्स के लिए 75% और 11-50 रैंकर्स के लिए 50% का यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। 51 से लेकर 100% के छात्रों के लिए यहाँ पे 25% का स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। यही नहीं, अगर आप वो लकी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कि 50 लकी पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको यहाँ पे कुछ गजेट जीतने का भी मौका मिल सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन, वॉचेस या फिर अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। तो जल्दी करें, इनरोल करें। अगर आप कोई भी यहाँ पे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से एक आपको रेफरल कोड है, जितेंद्र10, इसका भी मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जितेंद्र10, इसको यूज कर लीजिएगा। आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट आपको मिल जाएगा किसी भी कोर्स के लिए। लेकिन अगर आप लोग जीतते हैं यहाँ पे कोई भी प्राइस, तो आप स्कॉलरशिप आज जीत सकते हैं। दोस्तों आज की खबरों में चलते हैं। खबर है पहली यहाँ पर, जी अगर हम बात करें बिहार एसटीईटी को लेकर, तो बिहार एसटीईटी जो है आज रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि कुल देखिए 54,941 एसटीईटी में से शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड दिया गया है, दिया जाएगा यहाँ पे। इसमें पेपर एक में जो भी छात्र शामिल हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो पेपर वन में से 1,09,667 अभ्यर्थियों को ही को, वहीं पेपर टू में 45,284 अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड मिलेगा। अच्छा, सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में भेजा गया, यानी कि ये आपका कहाँ पर होगा, जो DEO ऑफिस है आपका हर एक जिला में होता है, जो कि जिला शिक्षा कार्यालय होता है, वहीं पे अवेलेबल होगा। यहीं पे जाके आपको क्या होगा, तो सॉफ्ट कॉपी और इसका हार्ड कॉपी भी आपको मिल सकता है। सभी अभ्यर्थियों से संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय में भेजी जाएगी रिजल्ट कार्ड की कॉपी। और राज्य भर में 80,400 अभ्यर्थी हुए हैं क्वालिफाई, तो मेरिट में आए थे वो, और 30,645 के बारे में यहाँ पे है जो बात, क्योंकि 1,54,000 अभ्यर्थियों को ये भेजा गया है अंक पत्र। तो आप लोग भी अपना चेक कर सकते हैं, छात्र जिनका भी यहाँ पे हुआ है, नहीं हुआ है, तो सबको स्कोर कार्ड वहां पे मिल रहा है। तो अगर आप DEO ऑफिस जाके अपना ये प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक न्यूज और दिया गया है, ये तो बताया गया कि कितने कितने छात्र यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है, और कितने लोगों का यहाँ पे चयन हुआ है, और ये सारी चीजें बताई गई हैं कौन से विषय में। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत, विज्ञान और उर्दू का रिजल्ट के बाद में आया था यहाँ पे, तो उसको 6,096 अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट लिस्ट में आए थे। बोर्ड द्वारा परीक्षा में शामिल भी हुए 1,54,951 अभ्यर्थियों को यहाँ पे रिजल्ट कार्ड भेजा गया है। तो ये सारी चीजें तो आपको यहाँ से मिल रही है। अब आपको कैसे मिलेगा आपका जो है स्कोर कार्ड, इसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे, देखिएगा। तो आपको परिचय पत्र आपका दिखाना होगा, जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो चीजें आप लोग एग्जाम में लेकर गए होंगे। देखिए बोर्ड को अगर माने तो परीक्षा फल की सॉफ्ट कॉपी और रिजल्ट का हार्ड कॉपी, ठीक है, और रिजल्ट का कार्ड विवरण सभी DEO कार्यालय को भेजा गया है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट कार्ड देने के पहले परिचय पत्र दिखाना होगा, यानी कि आप अपना जो है परिचय पत्र दिखाइएगा, वैध पहचान पत्र के साथ साथ प्रवेश पत्र भी, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है,
वो भी, तो ये तीसरा चीज है यहाँ पे। देखिए आपका एक तो आधार कार्ड होना चाहिए है ना, और एक फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे हो सकता है कि आधार कार्ड ही हो वो, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका साथ में होना चाहिए। वेब कॉपी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वेब कॉपी और फोटो युक्त पहचान पत्र ही मान्य होंगे। सभी अभ्यर्थियों को उनके जिला शिक्षा कार्यालय से रिजल्ट कार्ड मिल सकेगा। तो ये हमने आपको इस न्यूज के माध्यम से बता दिया है कि आपका स्कोर कार्ड आ गया है और आपको कहाँ से मिल पाएगा, तो आप लोगों को डीईओ के कार्यालय से वितरित होगा आपका एसटीईटी। और यही न्यूज है जो कि प्रभात खबर में भी अपडेट की गई है। चलिए एक अपडेट आ रहा था दोस्तों यहाँ पे कि बहुत सारे छात्र कल भी पूछ रहे थे कि सर हमारा बीपीएससी का एग्जाम है एलडीसी का, इसमें हमारा जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज की अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप बीपीएससी कार्यालय जा सकते हैं और समय अनुसार ही जाइएगा, मंडे टू फ्राइडे जाइएगा वहां पे, और सुबह 10 से 5 के बीच में जाइएगा, वहां पे आपका डुप्लीकेट ई कार्ड भी बन रहा है। अगर नहीं आपका साफ फोटो भी आ रहा है तो भी आप पहुंचेंगे वहां पे, आपका वहां पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि करीब 7 ऐसे जिले हैं जहां पर 117 केंद्र बनाए गए हैं और वहीं पे बीपीएससी एलडीसी परीक्षा जो है पीटी परीक्षा होगी आपकी। 26 फरवरी को डेट निर्धारित है यहाँ पे। इस परीक्षा का सेंटर पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर और सारण और गया में रखा गया है। और आपको बता दें कि बीपीएससी कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी के पदों के लिए नियुक्ति के लिए ली जाने वाली इस परीक्षा में करीब 60,000 अभ्यर्थियों का आवेदन आया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे 60,000 में कंपटीशन है आप सभी छात्रों का। इनमें से बहुत हो सकते हैं कि 30,000 35,000 तो आप हटा ही दीजिएगा जो कि आपके कंपटीशन से बाहर होंगे, ऐसे ही लोग फॉर्म भर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि और रिक्तियों की संख्या यहाँ पे 24 है और यह परीक्षा ओपन बुक सिस्टम में होगी यानी कि OMR बेस्ड होगी, जिसमें कि किताब ले जाने की छूट होगी। और ये किताब कैसी होगी, तो ये आपका कोई भी बेसिक बुक होना चाहिए, जैसे कि NCERT की बुक ले जा सकते हैं आप लोग जो कि मान्यता प्राप्त है उसको, है ना। आप लोगों को जो है गेस पेपर या फिर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक नहीं लेकर जाना है, ठीक है। ओपन बुक सिस्टम है यहाँ पे जिसमें कि एक किताब लेकर जाने की छूट है सिर्फ, और ये किताब आपकी बेसिक होनी चाहिए, बेसिक बुक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर बताया गया यहाँ पे, तो 26 फरवरी को जो पीटी होने वाली है इसमें आपका सामान्य ज्ञान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक सॉरी माफ करेंगे, एक जो है ना 1/4 ही होता है, बट 4 अंक दिए गए हैं जबकि गलत पे जवाब पे 1 अंक काटा जाएगा, मतलब कि 4 नंबर मिलेगा एक सही होने पे और यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाएगा एक गलत होने पे आपका। तो ये है थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो लेवल है ये अच्छा रखा गया है, और आप लोग यहाँ पे भी इसको ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा आंसर गलत मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 23 तारीख को जो कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपडेट है, उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है 23 तारीख को। और यहाँ पे 23 फरवरी को की बात हो रही है जो कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय चक्र के बाद यह चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पे च्वाइस के आधार पे जो उन्होंने च्वाइस किया था काउंसलिंग के दौरान उनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और ये प्राथमिक शिक्षक विभाग को लेकर अपडेट दिया गया है दोस्तों, और इनको उनके प्रखंड के द्वारा जो भी अपडेट दी गई है वहाँ पे इनको बुलाया गया है जहाँ पे इनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से, आप लोग सभी छात्रों का यहाँ पे एक नया शुरुआत हो रहा है। हो सकता है कि काफ़ी लंबा समय लग गया हो लेकिन एक नई शुरुआत हो रही है आपके नए भविष्य की, तो ऑल द बेस्ट है आप सभी छात्रों को यहाँ से। ओके, अब नई भर्तियों की चर्चा करते हैं जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बिहार की। बिहार में समाज कल्याण विभाग की तरफ से जी एक अपडेट आ रहा है और इसी महीने जो है ना इन पदों पर आपका चयन हो सकता है। ये पद कौन कौन से पहले मैं आपको बता दूं, ये काउंसलर के पद हो सकते हैं, संगीत शिक्षक के, शारीरिक प्रशिक्षक और योग शिक्षक और अंशकालीन है ना, रसोई हेल्पर, महिला परिचालक, स्वीपर, शारीरिक परीक्षक, योगा और शिक्षक का यहाँ पे है, प्रशिक्षित शिक्षक और कला शिक्षक और महिला अभिभावक और हेल्पर और जो कि प्रशिक्षित सफाई कर्मी और प्रशिक्षित निजी सुरक्षा गार्ड और अंशकालिक प्रशिक्षित दर्जी। तो ये प्रशिक्षित जो वर्ड यहाँ पे लगाया गया है इट मीन्स कि वो ट्रेंड होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके पास कहीं ना कहीं किस चीज़ का सर्टिफिकेशन जरूर मांगा जाएगा आपके ज्वाइनिंग के समय। तो ये जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर रक्षा गायघाट एवं किशोर स्वास्थ्य अधिनियम के तहत यह वैकेंसी निकाली गई है जहां पर बालक बालिकाओं और ऐसी महिलाओं की जो कि विधवा होती हैं उनको और जो कि लाचार होती हैं ऐसे जगहों से
हैं होती हैं, जिनका कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार कदम उठाई थी। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये बाल गृह बेगूसराय है ना, बाल यहाँ पे देख सकते हैं, बालिका गृह एवं बाल गृह बेगूसराय के समुचित देखभाल के लिए, संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये बहाली ली जाएगी। तो आउटसोर्सिंग होगी यानी कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी इसका नियुक्ति करेगा, जहाँ पे एजेंसी के लिए समिति भी गठित कर दी गई है, जिनमें कि आपको निदेशक समाज कल्याण, प्रधान सचिव, प्राधिकृत पदाधिकारी सदस्य, और समाज कल्याण से संयुक्त निदेशक, और समाज कल्याण से उप निदेशक, और समाज कल्याण से ही यहाँ पर दोस्तों सहायक निदेशक की स्थापना के लिए इनकी गठित एक समिति बनाई गई। और ये लोग जो है चयनित करेंगे इन सभी, जी हाँ, आउटसोर्सर जितने भी छात्र आएंगे या फिर जो भी कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। तो बेगूसराय में ये नौकरी आपको मिल सकती है, जहाँ पे आपको इन सभी, जी हाँ, पदों के लिए ये स्वीकृति निकाली गई है। और आपको बता दें कि ये अगले माह से शुरू होने जा रही है, तो इसका अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से ही दिया जाएगा, और जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बताऊंगा। तो ये बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अपडेट दी गई है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रोजगार की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं BTSC की, जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ये अपडेट है दोस्तों, जहाँ पे 216 पदों की नियुक्ति निकाली गई है। नर्सिंग के लिए है, यहाँ पे ट्यूटर का पोस्ट है, जहाँ पे आपको वेतनमान जो है लेवल 8 का दिया जाएगा। और आपको अगर आवेदन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे http://parikshaa.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर 23 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं BTSC के ट्विटर पोस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी कि MT के पोस्ट के लिए है, जहाँ पे आपको जो है डिग्री हासिल, जो भी ग्रेजुएट छात्र हैं या PG छात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है ये आपको यहाँ पे, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है नैनीताल बैंक, यानी कि जो वैकेंसी है बैंक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की, नैनीताल की वैकेंसी है। यहाँ पे 17,900 से लेकर 47,920 रुपये तक की सैलरी आपको अपडेट की गई है, तो ग्रेजुएट छात्र इधर आवेदन करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों स्पेशलिस्ट सहित कई अन्य रिक्त पदों की भर्ती के बारे में, जो कि 25 वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, शैक्षण योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं, और उम्मीदवार जो भी यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे spscskm.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैं दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पर। और शैक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने PG या ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे BEO के लिए, तो BOB के लिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि आपका जो बैंक है दोस्तों यहाँ पे उसके लिए है ये वैकेंसी मैनेजर के पोस्ट के लिए, और स्नातक मांगा गया है यहाँ पे, या फिर PG भी कर रखे हैं तो आप आवेदन करिएगा। 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आपको अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करना है मैनेजर के पोस्ट के लिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 8 साल का, तो इस 10 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 7 मार्च लास्ट डेट है आवेदन करने। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारी डिटेल आपको दी है जो कि आपके परीक्षाओं से संबंधित रहा, और आपके जी हाँ आने वाली परीक्षाओं से संबंधित है, और आपके जी हाँ अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड था। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।